Hi everyone, it's me Kumar Sunil, and today in this video we'll discuss about Buddhism. Actually, earlier I thought of discussing Buddhism as well as Jainism, but then I realized that the video will be quite long and the viewers might get boring. So in this video, let us stick to Buddhism. Now, everyone knows the founder of Buddhism, right? Gautam Buddha, who was known as Siddhartha in his childhood time. Not only in childhood time, but his actual name was Siddhartha. And the name Gautam Buddha, in this, the term Buddha is actually a dignity. आई मीन ये एक उपाधि है, ठीक है, ये उनके लिए यूज़ होता है जिनके पास बहुत नॉलेज है, ठीक है ना, सुप्रीम नॉलेज. सो लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट व्हाई दिस रिलीजियंस वर बॉर्न, दैट इज बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड सो मेनी अदर रिलीजियंस वर बॉर्न इन दिस टाइम पीरियड, दैट इज 6th century BC. ओके, एक्चुअली in this period the Brahmanism reached to its extreme. Okay, matlab ye jo Vedic rituals, sacrifices, ye sab tha, ye duniya bhar ki cheeze 6th century BC ke aate aate apne charam seema pe pahunch chuki thi. To aisa nahi hai ki sirf Gautam Buddha aur Mahavir ne ise oppose kiya tha, inse pehle bhi bahut se logon ne is cheez ko oppose kiya tha, ठीक है, बट उन लोगों ने कोई भी रिलीजन नहीं चलाया. आपको इन लोगों के नाम लिखने हैं, कम से कम दो नाम मुझे चाहिए, ठीक है. आप अपना आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हो. तो लेट अस कंटिन्यू. सो गौतम बुद्ध के जो पिता थे उनका नाम था सुदोधन, ठीक है, ये शाक्य क्लैन के किंग थे. एक्चुअली किंग बोलना सही नहीं होगा, चीफ थे, मुखिया थे, ठीक है. शाक्य क्लैन मतलब शाक्य कबीला था और इनके मुखिया थे इनके पिता गौतम बुद्ध के, और इनकी माता का नाम था माया. ये राजकुमारी थी कोलिया क्लैन की, कोलिया कबीले की. अच्छा, इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था जो कि आज के डेट में रुम्मिनदेही है, ये नेपाल में है. And Buddha was born in 566 BC. Okay, and all these informations we get from Asoka's pillar edicts. ये सारा information हमें अशोक के स्तंभ लेख और ये सबसे मिला है, ठीक है. तो गौतम बुद्ध को क्या है ना कि उनको इस चीज से बहुत तकलीफ था कि आखिर लोगों में इतना दुख क्यों है, ठीक है. तो इस चीज की खोज के लिए, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर के लिए वो सब कुछ त्याग दिए एट द एज ऑफ 29. ओके, ही लेफ्ट होम एंड उनके एक गुरु थे, उनका नाम था अलार कलमा, ठीक है. इनसे ये मेडिटेट करना सीखे और इन्होंने उपनिषद का ज्ञान भी पाया, लेकिन इन्हें इतना सा ज्ञान काफ़ी नहीं लगा. मतलब सीधा सा बात यह है कि इन्हें अपने उस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला कि आखिर लोगों में इतना दुख तकलीफ क्यों है. तो ये उन्हें छोड़ के ये आगे चल दिए. इन दिस टाइम ही वेंट थ्रू so many rigid self tortures and all those stuffs, okay, just to find the answer. And finally he reached Urvel. Okay, it is near Bodh Gaya. There he sat on a peepal tree and began to meditate, and on the 49th day of his meditation he finally got that extreme that supreme knowledge. And from this point, he is called Buddha, the enlightened one. Okay. और फिर
ये अपना सरमन देने के लिए हर जगह गए। सबसे पहला जो सरमन सरमन मतलब उपदेश, सबसे पहला उपदेश जो था इनका वो था सारनाथ में, ठीक है, जिसे कि धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। इनके आगे बहुत सारे डिसाइपल्स हुए। ये आपका एक असाइनमेंट मैं और देता हूँ कि ये इनके डिसाइपल्स के नाम आपको लिखने हैं, इनके पहले 5 डिसाइपल्स के नाम, ठीक है, आपको कमेंट करने हैं। तो आज का अभी तक का 2 असाइनमेंट हो गया आपका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हुआ क्या ना कि बुद्ध जो हैं वो कर्म में विश्वास करते थे, कि मतलब लोगों का जो प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट में कोई मिजरी है या फिर ऐसा कुछ है, तो ये उनके पास्ट के कर्म हैं जो ऐसे रहे हैं, ठीक है। ये सिमिलर है भगवत गीता से, ठीक है, क्योंकि गीता में भी यही कहा गया है। अच्छा, बुद्ध रीबर्थ में भी बिलीव करते हैं, ठीक है, ये मानते हैं कि हम लोग तब तक हमारा जन्म होता जाता है, मतलब हम ये जन्म और मृत्यु के चक्र से तब तक बाहर नहीं हो पाते जब तक कि हमें मोक्ष न मिल जाए। अच्छा, मोक्ष को यहाँ निर्वाण कहते हैं, ठीक है, निर्वाण। या फिर अगर जैन धर्म की बात करें तो संलेखना, एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो बुद्ध ने इस चीज के लिए 4 आर्य सत्य बताए, ठीक है। पहला कि ये जो मिजरी है ये रहेगा, ठीक है, ये जो पूरा लाइफ है ये मिजरी से भरा हुआ है, ये पहला सत्य। दूसरा, ये जो मिजरी है ये क्रिएट होता है 3 चीजों से, किससे, डिजायर से, मतलब कुछ चीज को चाहना, और फिर नहीं मिलने से दुखी होना। दूसरा, सेपरेशन से, हमें किसी चीज से बहुत ज्यादा प्यार है, वो बिछड़ गया किसी तरीके से, चाहे लिविंग हो नॉन लिविंग हो, और इसके बाद टेंशन में हमारा खाना पीना हमने सब छोड़ के, और जो होता है जैसा ये हमने शुरू कर दिया, ये दूसरा रीजन। तीसरा, इग्नोरेंस, मतलब हम किसी के पास जाना चाह रहे हैं या फिर हाँ ये तो ऑब्वियस सी बात है लिविंग्स में होगा, और वहां से हमें इग्नोरेंस मिल रहा है, इग्नोर किया जा रहा है हमें। तो तीसरा कि इन सब चीजों को अगर खत्म कर दिया जाए तो फिर शांति मिल सकती है। अच्छा, चौथा, इन सब चीजों को खत्म करने के लिए उन्होंने अष्टांग मार्ग बताया, एट फोल्ड पाथ, राइट माइंडफुलनेस, राइट एक्शन, और इस तरीके से 8, ये भी आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। तो आज का टोटल कितना हो गया अभी तक का, 3 असाइनमेंट हुआ आपका, ठीक है, ये आपको बताने हैं। अच्छा, वैसे वीडियो ये 8 मिनट का पार हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं है, हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एक्चुअली बुद्ध ने ना हमेशा मिडिल पाथ के लिए प्रीच किया उन्होंने, ठीक है, वो कभी भी ये नहीं बोले कि आप जो है सन्यासी बन जाओ, घर बार त्याग दो। हाँ, नो डाउट उन्होंने ऐसा किया था, लेकिन सबसे बड़ा रीजन ये था कि अगर वो घर पे रहते तो इस क्वेश्चन का आंसर उन्हें कभी नहीं मिल पाता कि लोगों में इतना दुख तकलीफ ये सब क्यों है ना। एक्चुअली हम लोग नहीं, हम लोग नहीं मतलब मुस्लिम्स रमजान मनाते हैं, ये एक बहुत अच्छा पर्व है। इसमें भी एक चीज ये भी है कि जो गरीब दुखी हैं उनका दुख तकलीफ उन्हें समझ में आए, इस वजह से ये मनाते हैं, ठीक है। तो वापस लौटते हैं हम लोग गौतम बुद्ध पे। यहाँ पे एक चीज और समझते हैं हम लोग कि बुद्ध ने गॉड के एग्जिस्टेंस पे कुछ नहीं कहा, ठीक है, ना तो उन्होंने ये कहा कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं, और ना ही उन्होंने इस चीज को नकारा कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करते हैं। हिज प्राइम फोकस वॉज ओनली ऑन इंडिविजुअल, ओनली ऑन अस, वी ह्यूमंस। ओके, आज के लिए हम लोग इतना। अच्छा ठीक है, एक और चीज मैं और बताऊं, एक्चुअली जैसे जैसे दिमाग में आता जा रहा है मैं वैसे वैसे बता रहा हूं, ठीक है। ये ना अपने फॉस्टर मदर को, इसका मतलब है
अपनी माँ को जिन्होंने इन्हें पाला था, गौतम बुद्ध को, इन्हें और अपने पुत्र राहुल को इन्होंने अपने मार्ग पे चलाया, ठीक है, अपने मार्ग पे चलने को कहा। और बहुत सारे जाने माने किंग्स भी थे, जैसे कि बिंबिसार वगैरह, अजातशत्रु भी, जो बुद्ध के बहुत बड़े भक्त थे, ठीक है। वैसे आपको इनकी फोस्टर मदर का नाम बताना है, तो मैं असाइनमेंट भूल गया मैं कितना दिया, जो भी हो ये टोटल असाइनमेंट्स आपको करना है। ऑल्दो आई विल गिव आंसर्स टू दिस असाइनमेंट्स इन माई नेक्स्ट वीडियो, एंड इन माई नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट बुद्धिस्ट काउंसिल्स एटसेट्रा, एंड विल ऑल्सो टच जैनिज्म, ओके। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो में कुछ कमी लगती है, या फिर आपका कोई सजेशन है, या फिर कुछ भी, तो आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। हाँ, वैसे साइन ऑफ होने से पहले एक और चीज़ बताऊं कि ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, आप लोग जैसा कि जानते हैं, इसमें मैंने थोड़ा सा चेंजेस किया है। अभी क्लास 8 टू क्लास 12 तक ही एडमिशन होगा, ठीक है। आगे चल के एडमिशन्स पे डिपेंड करेगा जो भी चेंजेस इसमें मैं करूँ, ठीक है। फिलहाल तक ऐसा ही है। और जानकारी के लिए, मतलब ऑनलाइन क्लासेस की जानकारी के लिए, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 7717746 50 पे, ओनली व्हाट्सएप। इसके बाद आपको सारा डिटेल्स दिया जाएगा, लेकिन पहले आप प्रॉपरली इंक्वायरी कर लीजिए इसके बाद। तो खैर, इस वीडियो पे वापस लौटते हैं। आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दीजिए, ठीक है, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके, टिल देन टेक केयर एंड बाय।